सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब से रिलेटेड काफ़ी जानकारी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है, कपिल ने जवाजात से सवाल किया है कि मैंने अपने वर्कर का खरोज नहाई लगा दिया है और वो बंदा अभी अपने देश नहीं लौटा है, तो मैं उसे क्या हुरूप में डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता हूँ? तो जवाजात की तरफ से बताया गया है, अगर आपने खरोज लगा दिया है, अगर वो बंदा 60 दिन के अंदर अपने देश नहीं जाता है, तो उस बंदे को उसका कपिल हुरूप में डाल सकता है। यानी कि कोई भी कपिल अगर उसका टिकट कर देता है, वो बंदा अगर जैसे कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद में बाहर निकल जाता है किसी और एयरपोर्ट पर, तो उस बंदे का यानी कि हुरूप लगा सकता है उसका कपिल। बहुत से लोग इसी तरीके करते हैं, उसका कपिल उसको खरूज लगा देता है, खरूज लगाने के बाद में वो 60 दिन के अंदर नहीं जाता है, वो कहीं और काम करने लगता है, तो उस बंदे का हुरूप लग सकता है। एक अपडेट और है, एक बंदे ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरे कपिल ने मुझे पैसा नहीं दिया था, पैसा नहीं देने के बाद में मैंने लेबर कोर्ट में केस कर दिया था, केस भी मैं जीत चुका हूँ, उसके बाद में उसने मेरा खुरूज लगा दिया, यानी कि अब मेरे पास 60 दिन का टाइम है, ना ही उसने पैसा दिया है और उस बंदे ने मेरा खुरूज लगा दिया है, यानी कि मेरे कपिल ने मेरा खुरूज लगा दिया, तो अब मैं किस तरीके से अपना पैसा ले सकता हूँ? तो जवाजात की तरफ से अपडेट आ रही है, आप फिर से लेबर कोर्ट जाइए और आपके कपिल ने जो आपका खुरूज लगाया है वो पेपर और जो आप केस जीते हैं वो पेपर, दोनों पेपर लेकर आप जवाजात के ऑफिस यानी कि लेबर कोर्ट ऑफिस जाकर दोबारा से कंप्लेन कर सकते हैं। अब उस पर दोबारा कार्रवाई होगी और आपका पैसा वापस मिलेगा। तो इस तरीके से काफ़ी केस आते रहते हैं सऊदी अरब में काम करने वाले को वर्करों के, तो अगर किसी का भी केस इस तरीके का है तो वो लेबर कोर्ट जाकर उसकी कंप्लेन दर्ज करवा सकता है, क्योंकि काफ़ी सऊदी ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते हैं और उसकी सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं। तो किसी भी तरीके का आपका केस है तो आप लेबर कोर्ट जाकर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। और एक अपडेट आ रही है रमज़ान को लेकर, ड्यूटी से रिलेटिव। रमज़ान में जो सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, अपडेट में बताया गया है, उनकी 5 घंटे की ड्यूटी होगी और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों की ड्यूटी 6 घंटे होगी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।